स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो है बिग बॉस के वीकेंड का वार के ऊपर। मैंने लास्ट वीडियो बनाने के बाद सोचा था कि मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, बट वीकेंड का वार देख के ऐसा खून खौलता है ना कि आप लोगों से बात किए बिना रहा नहीं जाता। तो शुरुआत करते हैं हम सलमान खान जी से। तो मिस्टर सलमान खान को क्यों एज अ बिग बॉस होस्ट पसंद किया गया और फिर चेंज नहीं किया गया? क्योंकि उनका एक बहुत ही अनबायस्ड और ऑन द फेस ओपिनियन होता था। वो अपने इमोशंस बहुत क्लियरली बताते थे, इतने अन इंटरेस्टेड तरीके से वो होस्टिंग नहीं करते थे, इसलिए उनकी होस्टिंग को हमेशा पसंद किया गया है। बट ओवर द ईयर्स हमने देखा है उनकी बायसनेस कुछ कंटेस्टेंट की तरफ जब आती है तो फिर उनकी सब चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। उसका बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल करंट सीज़न के अंदर है पूजा जी, पूजा भट्ट जी, जिनको इन्होंने घर की प्रिंसिपल बना के रखा हुआ है। कुछ भी होता है, छोटे से छोटे टॉपिक से लेके बड़ी से बड़ी बात, पूजा तुम बताओ, पूजा तुम बताओ, ये चल रहा है घर में। तो कल का वीकेंड का वार भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ। शुरुआत की गई बेबिका से, बेबिका ने जो टास्क नहीं किया उनको समझाया गया, पूजा ने जो टास्क नहीं किया गया उसको फेयर बताया गया कि जी भाई उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने क्यों टास्क नहीं करना, तो शी इज़ राइट। बट बेबिका ने टास्क नहीं किया वो गलत हो गया, बट उनको बड़े प्यार से समझा के टाल दिया गया। और फिर बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से जो बिग बॉस ने बात शुरू की, सलमान मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मतलब वैसे तो आप बात करते ही नहीं हो पर आपको शो के सामने बात करनी है, आपको यूट्यूबर को डिग्रेड भी तो करना है, कैसे करोगे इसके बिना? तो जी हो गए शुरू फिर बात, मेरे इतने सब्सक्राइबर। भाई अगर एक बंदा कॉन्फिडेंट है, उसको अपने सब्सक्राइबर्स पर ट्रस्ट है, उसको अपने फॉलोइंग पर ट्रस्ट है, और अगर उसने बोल दिया कि मैंने शो के लिए किया है, जो कि बहुत साफ साफ दिखता है कि उसने किया है, और वो चीज़ अगर वो पब्लिकली बोल रहा है तो आप उसको गलत बता रहे हो। आप लोगों की असली पर्सनैलिटी छुपाना चाहते हो, चाहे वो एल्विश हो, जब वो अपनी लिंगों में बात करता है, अपनी लैंग्वेज में बात करता है, आप उसको रोक देते हो कि नहीं भाई आप ये फेक ओरिजिनैलिटी मत दिखाओ, फेक बन के आओ, अच्छे अच्छे रहो, वो सही है। फिर आप बिना मतलब का सब के अंदर मनीषा को फिर से घुसा लेते हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लियरली आपकी इनसिक्योरिटी दिखती है यूट्यूबर से, क्लियरली आपकी इनसिक्योरिटी दिखती है इनके नंबर से। आप फिर बात करते हो मेरे 100-150 मिलियन से, आप भी प्लेटफॉर्म पर मिला के होंगे, भाई 40-45 साल हो गए आपको काम करते। वो लड़के जिनकी ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है किसी पॉपुलर चीज़ से, आपके पापा सलीम खान फेमस राइटर, उनके पापा एक नॉर्मल इंसान, एल्विश के पापा एक स्कूल टीचर, स्टिल उनके पास इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, वो चीज़ आप कहीं पर भी नोटिस नहीं करवा रहे। 3-4 साल में इतनी फेम ले ली, आपके पास 40 साल में इतनी फेम नहीं आई है। पूजा बोलती हैं भाई हम अपने 20s में, हम अपने यूथ में ऐसे तो नहीं थे, आप कैसे थे इसके किस्से तो जग जाहिर है, हमने अपनी गलतियों को मानना है, हमने अपनी गलतियों को ओन किया है। अच्छा सबको पता आपकी गलतियाँ, आपके पापा की हरकतें, सुशांत सिंह राजपूत कोई कुछ नहीं भूला भाई, आलिया भट्ट का नाम आप बीच में लेके आ रहे हो, ठीक है, आलिया का फेवरेट कंटेस्टेंट बाय द वे एल्विश यादव, आपको शायद पता नहीं होगा, आप घर के अंदर हो ना इसलिए, और फैमिली के लिए वो आपका नाम भी ले देती है, बट उन्हें भी पता है क्या सही है क्या गलत है। एज अ यूट्यूबर मैं आपको बता सकता हूँ, आज मेरे पास 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, और मतलब मैं इनको लेके इतना ज़्यादा प्राउड हूँ ना, वो ईगो नहीं है, वो प्राउड है। और जिसके पास 8 मिलियन, जिसके पास 15 मिलियन है ना भाई, जो यूट्यूब कर रहा है उसको पता है कि कितनी मेहनत लगती है इन नंबर तक पहुँचने के लिए, और वहाँ पर पहुँच के अगर आपके अंदर उस चीज़ का प्राउड है, घमंड नहीं बोलूँगा मैं, प्राउड है उस चीज़ को लेके, आप ओन करते उस चीज़ को और उसको कोई गलत बता रहा है तो यार बहुत गलत है मेरे हिसाब से। आई टेल यू, सलमान खान के जो फॉलोअर है ना उनकी मूवी से है, उन्होंने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया, नॉर्मल मूवीज़ की, सोशल मीडिया आया, लोग ऑलरेडी फ़ैन थे और उसके थ्रू उनके साथ कनेक्ट हो गए। अब जिस बंदे ने भाई ज़ीरो से शुरू करके एक सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाया, अपना प्लेटफॉर्म बनाया, उसके लिए तो ये सब कुछ है। और जिस हिसाब से सलमान खान जी यूट्यूब को डिग्रेड करते हैं डे बाई डे, इनको नहीं पता है कि ये प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, मूवीज़ से बड़ा है। आई बिलीव इनकी मूवीज़ आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड होनी बंद हो जाएं, देख लेंगे इनका भी क्या ही है फिर, आज पुराने तरीके से पोस्टर लगा दें सड़कों पे और देख ले फिर कैसी मूवी चलती हैं। फिर आप बोल रहे हैं क्या फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं जी, आप भी तो ऑडियंस के पीछे भागते हो, आप भी तो अपने व्यूअर्स के पीछे भागते हो, मूवीज़ के लिए शहर शहर जाके प्रमोशन करते हो, किसके लिए करते हो, ऑडियंस के लिए नहीं करते, फॉलोअर्स के लिए नहीं करते, और दूसरे को बोल रहे हो फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हो, उन्हें बोल रहे हो अच्छे काम करो फॉलोअर्स खुद मिलेंगे, आपकी लेटेस्ट मूवीज़ देख ही रहे हैं हम कितनी अच्छी हैं। चलो ये तो अलग चीज़ होगी,
सिर्फ बिग बॉस के ऊपर ही बात करते हैं, तो जिस हिसाब से टाइम एंड अगेन ये फुकरा इंसान हो गए, अल्पेश यादव हो गए, उनको डिग्रेड किया जा रहा है, उनको उनकी पर्सनैलिटी रखने नहीं दी जा रही, उनको बोला जा रहा है अगर आप शो जीत भी जाओगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बिग बॉस का मतलब ही समझ नहीं आया, तो बेसिकली हर पॉइंट पे उनको डिग्रेड किया जा रहा है, हर पॉइंट पे उनको नीचा दिखाया जा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से अपने फुकरा भाई हैं अल्पेश, है उनको भी पता है, पिछले सीजन देख के आए हैं, ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बार बार फुकरा इंसान बोलते रहे कि मुझे मेरा पॉइंट बोलने दिया जाए, मुझे मेरा पॉइंट बोलने दिया जाए, बट सलमान खान का ही समझना चाहते थे भाई। मनीषा ने क्लियरली बोला, वेरी क्लियरली शी सेड कि मुझे लगता है कि इस शो में फ़ाइट्स कम हुई हैं, तो ये उतनी ज़्यादा फ़ाइट्स नहीं हुई जितनी जनरल बिग बॉस में होती हैं, ठीक है। और उस पर सलमान खान बोलते हैं, आप बोल रहे हो शो हिट ही नहीं हुआ, शो चल नहीं रहा, व्यूअरशिप नहीं मिली, मतलब आपने अपनी सोच ही थोपनी है दूसरे पे, तो दूसरों को फिर बोलने ही मत दिया करो, आप आया करो, आप बोला करो, आप चले जाया करो, दूसरों से बात ही क्यों करते हो उनको नीचा दिखाने के लिए। मुझे तो यही लगता है यार, आप बताओ आपको क्या लगता है। मुझे लगता है वाहियात वीकेंड का वार था, बहुत बार इन्होंने घटिया वीकेंड के वार दिखाया, बट ये वाला तो निहायती वाहियात था, ज़बरदस्ती का नीचा दिखाया गया किसी को, ज़बरदस्ती का पूजा को ऊपर दिखाया जा रहा है टाइम एंड अगेन, ठीक है। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अगर नेचुरल ओरिजिनल वोटिंग पे जाएंगे, विनर अल्पेश या अभिषेक में से ही कोई होगा, पूजा का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। बट सलमान खान है, यू नेवर नो, ये कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर फेयर वोटिंग होगी, अगर फेयर वोटर काउंट होगा, तो विनर मेरे हिसाब से अभिषेक ही होंगे, एंड वो बहुत ही डिज़र्विंग विनर है, बहुत एफर्ट डाले उन्होंने शो पे, तैयारी करके आए थे, क्लियरली दिखता है, और वो जो कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप बताओ आपका ओपिनियन, और कमेंट में बताओ आपके अकॉर्डिंग विनर कौन होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में।